गश्त करती पुलिस की ये तस्वीरें हैं यूपी के लखीमपुर जिले की, जहां छुट्टे जानवरों की वजह से पहले तो पक्षों में विवाद हुआ और फिर मामला इतना बढ़ गया कि एक दो लोगों की हत्या कर दी गई। मारपीट में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। दरअसल सनसनीखेज वारदात हुई है भीरा थाना क्षेत्र के देवरिया राणा गांव में, जहां देर रात घर में छुट्टा जानवर घुसने से नाराज दबंगों ने 2 युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि गांव राणा निवासी रामजीत पुत्र जसवंत पक्ष के खेतों में शुक्रवार शाम छुट्टा जानवर घुस गए थे, जिसके बाद भगाने पर जानवर दूसरे पक्ष के संतराम के घर में घुस गए। इस पर संतराम और उनके पक्ष के लोगों ने रामजीत के लड़कों को पीट दिया। पता चला तो रामजीत के घर वाले शिकायत करने पहुंचे। इससे बौखलाए संतराम और उसके पक्ष के लोगों ने शिकायत करने आए लोगों पर भी हमला कर दिया। लाठी डंडे लेकर रामजीत के घर में घुस गए। देर रात दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में रामजीत, उनके पक्ष के रामलखन उर्फ गुड्डू और करीब 7 लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए रामजीत और गुड्डू को लखनऊ रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान दोनों लोगों की मौत हो गई। देखिए, घटना कल रात की है। कल रात में गांव में कुछ पशु घूम रहे होंगे, 2 पक्ष थे अलग अलग बिरादरी के। तो जो पहला पक्ष था जिसमें जानवर घुस गया था, उन्हें संदेह था कि दूसरे पक्ष वाले जानवर को खदेड़े हैं या जानबूझ करके उसको इस तरह भेजें कि वो हमारे घर घुस गए। इसी को लेके बातचीत वाद विवाद हुआ इनमें, और वाद विवाद थोड़ा बढ़ गया, जिसमें दोनों तरफ से लोग आए, आपस में मारपीट की घटना हुई। घटना में एक पक्ष से 2 व्यक्तियों को ज़्यादा चोट हो गई, जो तत्काल इलाज के लिए ओएल के बाद KGU में लखनऊ रेफर गया था। आज उनके मृत्यु की सूचना आई है। वहाँ भी हमारे लोग मौजूद हैं, कर्मचारी हैं, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। मैं स्वयं घटनास्थल पर EDM साहब मौजूद हैं। हम लोगों ने परिजनों से बात की है, गांव वालों से बात की है, और इसमें अभी ये लोग मुकदमा के लिए तहरीर दे रहे हैं। हमने इसमें तुरंत FIR लेके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खैर, इस पूरी घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग ने यहां भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है, ताकि किसी प्रकार का कोई अराजक तत्व यहां के माहौल को खराब ना कर सके। पंजाब केसरी TV के लिए लखनऊ से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।